हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनोविकास स्कूल फॉर इंक्लूजन। आज की इस वीडियो में हम आवर हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नर्स के बारे में, सेकंड पायलट के बारे में। नर्स एक महिला स्टाफ होती है जो अस्पताल के मरीजों की देखभाल करने का काम करती है। डॉक्टर के ऑपरेशन करने के बाद किसी भी मरीज को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखा जाता है। उन कुछ दिनों में मरीजों की दवा आदि का ख्याल रखती है और मरीज के परिवार के सदस्यों को भी उसकी जानकारी के बारे में बताती है। हॉस्पिटल में जो लड़की नौकरी करती है, जो लड़का रोज होता है, वह होता है पेशेंट की देखभाल करना, पेशेंट की सेवा करना। यानी कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर का फर्ज बनता है कि आपकी दवा आपकी समस्या का उपचार करें, लेकिन डॉक्टर हर समय आपकी 24 घंटे पास नहीं रह सकता है। तो आप वहाँ पर जब एडमिट हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई परेशानी हो, कोई देख वाली आपकी समस्या डॉक्टर तक पहुँचानी हो या इमरजेंसी में हो या वैसे भी आपकी हेल्प आउट करना या इंजेक्शन वगैरह टाइम टू टाइम से ध्यान रखना, दवाई टाइम टू टाइम, सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी ड्यूटी है कि वह आपका ध्यान रखे जब तक आप एडमिट हॉस्पिटल में हैं। ये सारे काम नर्स के होते हैं। नर्स आप लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 2 साल से कोविड के समय कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, समस्या हो रही है, उसमें भी नर्स का और डॉक्टर्स का आप लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं, आपके हर एक चीज़ को पूरी करते हैं। कॉकपिट या फ्लाइट डेक आमतौर पर वायुयान के अगले भाग के निकट वह क्षेत्र होता है जिससे पायलट वायुयान पर नियंत्रण रखता है, सिवाय कुछ छोटे वायुयान आधुनिक कॉकपिट बंद होते हैं और बड़े वायुयान के कॉकपिट भी भौतिक रूप से कैबिन से अलग होते हैं। कॉकपिट से वायुयान को जमीन पर और हवा से नियंत्रित किया जाता है। 1914 में पहली बार वायुयान में पायलट के कक्ष के लिए कॉकपिट चप का प्रयोग हुआ। लगभग 1935 में अनौपचारिक रूप कॉकपिट का प्रयोग कार के चालक के बैठने की जगह हुआ। वायुयान के कॉकपिट उपकरण में पैनल में उड़ान संबंधी उपकरण और नियंत्रण शामिल होते हैं जो पायलट को वायुयान उड़ाने में सक्षम बनाता है। एक दरवाजा कॉकपिट को यात्री कक्ष से अलग करता है। सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद भी सभी प्रमुख हवाई कंपनियों ने कॉकपिट का अपहरण के प्रवेश के रूप में विरोध दंड किया। आमतौर पर एक बड़े वायुयान को फ्लाइट डेक के रूप में जाना जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति RAF के द्वारा अलग ऊपरी प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों से हुई, जहां पर पायलट और सह पायलट बड़ी तैरने वाली नौकाओं में बैठते थे।